हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न की चाट। स्वीट कॉर्न की चाट बनाने के लिए हमने मार्केट से ये स्वीट कॉर्न का एक पैकेट ले लिया है। इसको हमने बॉईल कर लिया है। इसको हमने कुकर में अच्छे से धुल के इसको हमने कुकर में एक सीटी लगा ली है। एक सीटी लगाने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो गया है। इसको हमने एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हमने लिया है ये उबली हुई मूँगफली। मूँगफली आप स्किप भी कर सकते हैं, बट इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने में हेल्दी भी होती है। इसके बाद अब हम इसमें मिक्स करेंगे एक कटा हुआ टमाटर, आधी कटी हुई शिमला मिर्च, एक बड़ा कटा हुआ खीरा फाइनली चॉप्ड, एक प्याज कटा हुआ। इनको हम सब अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी आप बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें क्या डालेंगे, एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, चाट मसाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसमें डालेंगे काला नमक, ब्लैक सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा नींबू। आपके पास अगर नींबू नहीं है तो अमचूर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों से एक ही टेस्ट आएगा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप अमचूर पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। आप ये सब मिक्स करने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले हम इसमें क्या डालेंगे, हरी प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट ली है उसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इससे क्या है, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, स्मेल आ जाती है और हमारा टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। अब हमारी स्वीट कॉर्न की चाट बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी कॉर्न चाट बनके रेडी हो गई है, कितनी अच्छी लग रही है और ये हेल्दी भी है। आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हो, आप इसको शाम की चाय को अगर स्किप करना चाह रहे हो तो आप उसकी जगह भी, जैसे आप फ्रूट्स वगैरह लेते हैं आप उसकी जगह भी ले सकते हो। ये खाने में बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है।